नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया हरियाणा। संदीप बोहरा ने भाजपा से बागी हो नगर पालिका चेयरमैन का पर्चा भरा। धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन के पद के लिए आज भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी संदीप बोहरा ने बागी होकर अपना नामांकन दाखिल किया। यहां बता दें, संदीप बोहरा ने ही पूर्व चेयरमैन बने कंवर सिंह की 10वीं की सर्टिफिकेट का मामला उठाते हुए उन्हें बर्खास्त करवाया था। संदीप बोहरा आज दल बल के साथ नगर पालिका कार्यालय में अपना नामांकन करने पहुंचे। संदीप बोहरा ने कहा कि आज समाज को युवा और काम करने वाले की जरूरत है, जो धारूहेड़ा के विकास में अपना योगदान दे सके। धारूहेड़ा क्षेत्र आज विकास के मुद्दों से जूझ रहा है और इन मुद्दों को युवाओं के रोजगार, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हें अपना कीमती वोट देकर आशीर्वाद दें, ताकि वह धारूहेड़ा की क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके। रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की खास रिपोर्ट। सेम मैदान है, तो क्या किस तरह से रहेगा आगे? इस बार हमने जो पिछला चुनाव लड़ा था और जनता का जो प्यार मिला था, इस बार हमें उससे बढ़कर प्यार मिलेगा। और उस प्यार की बदौलत ये कि लगातार जो चुनाव के बाद मैं जनता के बीच में रहा और मैंने उनको डिलीवर करके दिखाया, तो उनके प्यार की बदौलत में इस बार एक नंबर पर आकर आप सब लोगों को 12 तारीख का मुँह मीठा करेंगे। पिछली बार भी आपने बीजेपी की दावेदारी की थी, इस बार दोबारा की थी, लेकिन जेजेपी के खाते में देखिए, अलायंस की कोई मजबूरियां हैं या कुछ भी लगा लीजिए, जो कमजोर कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है, जो पिछली दफ़ा जिनकी जमानत जब्ती और 6 नंबर पे जिनका स्थान था, ऐसे कैंडिडेट के अलावा अगर वो किसी मजबूत कैंडिडेट को देते हैं तो बिल्कुल हम विचार करते हैं कि पार्टी का अलायंस हमारे साथ है। लेकिन चूंकि बार बार वही पैटर्न अपनाया जाता है, वही जिद की जाती है, वही अड़ियल रवैया अपनाया जाता है कि जो 6 नंबर पे था, जिसका कोई अपना आधार नहीं था, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है, तो ये जो मजबूरियां हैं ये गठबंधन की हो सकती है, मेरी जनता की और मेरी नहीं हो सकती। मैं इस बार अपनी जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अपनी जनता के दिलों में बसता हूँ। धारवाड़ा क्षेत्र के लोग और मेरे मतदाता मुझे चाहते हैं, तो ये अब की बार ये चुनाव उनका खुद का है और उनको पता है कि धारवाड़ा क्षेत्र में अगर काम करना है तो फिर उनको एक ऐसा कैंडिडेट देना होगा जो सच में डेवलपमेंट की नीतियाँ बना सकता है, बड़ी बड़ी योजनाएं ला सकता है और उसके पास एक विज़न हो काम करने का। मैं धारवाड़ा में काम करने के मकसद से लेकर राजनीति में आया था, चूँकि मैंने इस मातृभूमि में जन्म लिया है, तो मेरा मकसद है कि मैं यहाँ के लिए कुछ करके दिखाऊँ और उसी विज़न के तहत, उसी प्लानिंग के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूँ और 12 तारीख को आपके सामने रिजल्ट मेन होते क्या रहेंगे? जो कैंडिडेट जीते, देखिए चुनाव में कोई भी आ सकता है, सबका है, लेकिन तुलना करनी है कि कैंडिडेट कौन काबिल है, कौन किस में योग्यता है। योग्यता का पैमाना जनता को देखना है, उनको देखना है किस में काबिलियत है, कौन सच में काम कर सकता है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट हटा, जिसको डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद वो अपने बेटे को, अपनी बहू को या किसी को भी उतार दे। ये पारिवारिक नहीं है, ये वही योग्य आदमी काम कर सकता है जो जनता के बीच में काम करना जानता है। मुद्दा क्या रहेगा मेन? मुद्दा डेवलपमेंट का रहेगा, हम डेवलपमेंट के विजन के साथ काम करना चाहते हैं। धारवाड़ा के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे एंट्री एग्जिट की समस्या है, सेक्टर में गंदे पानी की समस्या है और बांस रोड पे अवैध कॉलोनियों का मुद्दा, उनको बेसिक सुविधाएं मिलने की बात है, जाम की समस्या है, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन पे हमें काम करना है। लोगों को हमें प्रॉपर्टी आईडी यहाँ से लेने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कोई भी जब आते हैं नगर पालिका में तो उनको एक ऐसा चेयरमैन चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनके लिए मान सम्मान के साथ काम करके उनको दे और उनको परेशान ना होना पड़े। ऐसा नहीं है, जनता कैंडिडेट के अंदर तुलना करती है। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनमें तुलना आप कर लीजिए, किसमें काबिलियत और योग्यता नजर आती है। आज का मतदाता बड़ा समझदार है, वो ये देखता है कि जिसके हाथों में हम बागडोर देने जा रहे हैं उसमें कितनी काबिलियत और योग्यता है, तो मतदाता समझदार है, वो अपना फैसला आप लेगा। सबसे काबिल है ऐसा आप, आपने क्या वो जनता बताएगी, मेरा नहीं है, मैं तो निर्णय के लिए उनके बीच में।